हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, पीजीटी टीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रेडजेल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम रेडजेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल का जन्म 1844 में और मृत्यु 1904 में हुई। रेडजेल हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेडजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणी कार्य किया। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रेडजेल को मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडजेल को मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है रेडजेल की रचनाएं। रेडजेल ने 24 पुस्तकें, 540 से अधिक लेख, 600 से अधिक पुस्तक समीक्षा और 146 लघु वृत्तांत लिखा था। उन्होंने 1240 तथ्यों की संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार की थी। रेडजेल की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं, जिसमें सबसे पहली है डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की समालोचना। नेक्स्ट है भूमध्य सागर तट के जीव। नेक्स्ट है एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं। नेक्स्ट है चीनी उत्प्रवास। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। नेक्स्ट है मानव भूगोल, जिसका प्रथम खंड 1882 में और द्वितीय खंड 1891 में प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स, मानव भूगोल, जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, रेडजेल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसे विशेष तौर से याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मानव जाति का इतिहास। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, जिसका प्रथम खंड 1897 और द्वितीय खंड 1903 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल। फ्रेंड्स, इसमें दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो मानव भूगोल, जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रथम खंड 1882 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय खंड 1891 में, और दूसरी है राजनीति भूगोल, जिसे पॉलिटिस्टिक ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रथम खंड 1897 में और द्वितीय खंड 1903 में प्रकाशित हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन दो रचनाओं को याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेडजेल से जुड़े वे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, रेडजेल को राजनीति भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है कि रेडजेल को राजनीति भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक है एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल और दूसरी है राजनीति भूगोल यानी कि पॉलिटिस्टिक ज्योग्राफी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों रचनाओं को विशेष तौर से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे, अतः उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को मानव समाज पर भी लागू किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक राजनीति भूगोल में उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की। उन्होंने यह माना था कि राज्य को या तो समाज की तरह विकसित होना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया था। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत को किसने दिया था, तो अब आपको याद रखना है कि राज्य एवं
समाज के जीववादी सिद्धांत को रेडजेल ने दिया था, जिसका अभिप्राय होता है कि राज्य को या तो समाज की तरह विकसित होना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, रेड जेल के दर्शन ने ही 1930 के दशक में जर्मन नीति का निर्धारण किया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, रेड जेल के काल में ही भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल की द्वैधता का विवाद आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, रेड जेल के द्वारा पहली बार लिविंस राम की संकल्पना दी गई। इस शब्द का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान यानी लिविंग स्पेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिविंस राम की संकल्पना किसने दी थी। तो याद रखना है आपको कि लिविंस राम की संकल्पना रेडजेल ने दी थी, और जिसका अर्थ होता है रहने के लिए स्थान या लिविंग स्पेस। फ्रेंड्स, रेडजेल ने अपने राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना है। उनके मतानुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे, क्योंकि ठहराव प्रकृति के नियम के विपरीत और मृत्यु का पर्याय है। रेडजेल ने कहा कि ठहराव प्रकृति के नियम के विपरीत और मृत्यु का पर्याय है, इसलिए राज्य को सतत प्रगतिशील बना रहना चाहिए। अन्य जैविक इकाइयों की भांति स्वायत्त राजनीतिक इकाइयां भी आत्मरक्षा के निरंतर संघर्ष में संलग्न रहती हैं। इसी के आधार पर रहने के स्थान या शरण स्थल लिविंस राम की संकल्पना का विकास हुआ। इसके अनुसार अधिक शक्ति संपन्न राज्यों द्वारा अपने निर्बल पड़ोसी राज्यों की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है। ये किसने कहा फ्रेंड्स? रेडजेल ने कहा कि संपन्न राज्यों द्वारा अपने निर्बल पड़ोसी राज्यों की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है, और इसमें किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं है। ये किसने कहा फ्रेंड्स? रेडजेल ने कहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडजेल एक निश्चयवादी चिंतक थे जिसने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में भिन्न भौतिक लक्षणों एवं स्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, रेडजेल एक कट्टर निश्चयवादी समर्थक थे। रेडजेल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अपने मानव भूगोल यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी, और यह मत व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों के इतिहास का निर्माण होता है। इसलिए रेडजेल को नियतिवादी का प्रतिपादक माना जाता है, और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य के रहन सहन, उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आदि भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब किसने कहा? ये सब रेडजेल ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, रेडजेल का मूल दर्शन भौतिक पर्यावरण में योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की उत्पत्ति अंग्रेज दार्शनिक एच स्पेंसर द्वारा 1876 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की उत्पत्ति एच स्पेंसर द्वारा 1876 में की गई थी। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि रेडजेल भूगोल में, विशेष रूप से मानव भूगोल के विकास में रेडजेल का योगदान महत्वपूर्ण है। वे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानवीय पक्षों के भौगोलिक अध्ययन के लिए एक पृथक विषय के रूप में मानव भूगोल की स्थापना की और उसके विषय क्षेत्र का निर्धारण किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था।
उन्होंने ही भूगोल में भौतिक पक्षों के एकाधिकार पर अत्यधिक बल दिए जाने की प्रवृत्ति को कम करके भूगोल का एक संतुलित दृष्टिकोण स्थापित किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेडजेल एक कट्टर निश्चयवादी समर्थक थे, किंतु 20वीं शताब्दी में उनके कठोर नियतिवाद की तीव्र आलोचनाएं होने लगी और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इसके विपरीत संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म का प्रचार प्रसार किया। फ्रेंड्स, संभववाद शब्द जो कि लूसियन फेब्रे ने दिया था और संभववाद के विकास का महत्वपूर्ण श्रेय पिडाल डी लब्लास को दिया जाता है, तो निश्चयवाद के विरोध में संभववाद की संकल्पना का विकास हुआ था। फ्रेंड्स, रेडजेल ने भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन पर कम ध्यान दिया और क्रमबद्ध अध्ययन को रोचक बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान किया था। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स हमने रेडजेल के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।